टेंशन एक ऐसी चीज है जिसको दिखाना नहीं चाहिए, है ना, उसको चैलेंज लेकर उसके विरुद्ध काम करना चाहिए कि टेंशन परमानेंट जीवन से समाप्त हो, है ना। तो मुस्कुराते रहो, सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो मैंने एक छोटी सी बात अभी कही मुस्कुराहट, उसको देखते हुए एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है कि तू मुस्कुराना सीख, तू मुस्कुराना सीख, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है ना। हम में से अधिकतर लोग ना सिर्फ रोते रहते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं, इंग्लिश नहीं अच्छी है मेरी, मैथ्स अच्छा नहीं है, मुझसे ये नहीं बन रहा, मुझसे वो नहीं बन रहा, लेकिन अक्सर कि वो करते इतना सा है, या कई लोग तो करते भी कुछ नहीं है, है ना, और रोना गाना उनका नेक्स्ट लेवल पे चलता है। वो सोचते हैं कि कुछ करे बिना ही हमें बस प्राप्त हो जाए, मेहनत करना ही ना पड़े। मैं जब एग्जाम करीब आता है, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तब हमें दिखता है कि अरे बहुत बड़ा सिलेबस है यार, ये सिलेबस तो 6-8 महीने में ना खत्म हो, लेकिन 3 महीने बाद तो परीक्षा है, तो टेंशन होना स्वाभाविक है ना। आप बहुत घबराओगे, आपकी दिल की धड़कनें तेज होंगी, ठंडी में भी गर्मी का एहसास होगा, है ना, बिना कोई जैकेट और स्वेटर पहने, है ना। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इन चीजों को हैंडल करना सीखिए, है ना। आप आज आपको एग्जाम का प्रेशर है, कल को आपके जीवन में और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कल को आप जॉब में जाओगे, कल को आपका परिवार बढ़ेगा, कल को कई चीजें आपकी बढ़ेंगी, तो आपको कई प्रकार के दूसरे टेंशन होंगे, कई प्रकार के दूसरे प्रेशर होंगे, जॉब का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, कितनी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती है ना। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी।